नमस्कार, आप देख रहे हैं जयनगर लाइव और मैं हूं सुमित कुमार। आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस तस्वीर में कि ये एक मारुति की गाड़ी है और इस गाड़ी को यहां पे लोगों ने हवाई जहाज, बिल्कुल सही देख और सुन पा रहे हैं आप तस्वीरों में, हवाई जहाज बना दिया है। और हवाई जहाज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हवाई जहाज की तरह इसकी रूप और रेखा है और बिल्कुल हवाई जहाज की तरह इसमें पंखे हैं जो बिल्कुल चलते हैं और ये इसका विंग है जो चल रहा है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, तो आइए आप जैसा कि आप जानते हैं कि इसके जो मालिक है उनसे जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। राम बाबू प्रसाद गुप्ता। ये जो आपका गाड़ी है ये कौन सी कंपनी की गाड़ी है? वैगनार कंपनी की है, मारुति की वैगनार है। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि इसको हम हवाई जहाज बना दें? ये छपरा से बहुत बना है तो हम लोग यूट्यूब पर सर्च किए हैं तो वहीं से जो कि नंबर लेके वहाँ से बना के तब यहाँ यूज कर रहे हैं। ये कितने दिनों पहले आपने बनाया है? अगले लगन में। कितने साल हो गए इसको बनाए? एक साल हो गया। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसको बनाने में कितना खर्च कितना आया होगा? 4 लाख। 4 लाख रुपए खर्च आए हैं इसको ऐसा डेवलप करने में। तो आपने इसके लिए RTO से, जो परिवहन विभाग होता है, उससे कोई परमिशन वगैरह भी लिया है? ये आपने स्वतः बना लिया? तो ये आप जो इसका कॉन्सेप्ट है ये आप क्यों बनाए हैं इसको, किस उद्देश्य से? शादी विवाह में हम लोग चलाते हैं, लड़का के लेके जाते हैं और फिर लड़का लेकर के लड़की लेकर के आते हैं। तो आप इसकी बुकिंग करते हैं? बेसिकली जो शादी ब्याह में लड़के और लड़कियां आते जाते हैं उसके लिए आपने बुकिंग करते हैं, है ना? अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नाम बता दीजिए आप। राम बाबू प्रसाद गुप्ता। किस जगह घर है आपका? सारघाट केरवा। अगर बुकिंग कराना होगा तो कहाँ संपर्क करेंगे ये भी बता? सारघाट। सारघाट। बहुत 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 धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि ये एक गाड़ी है और इसको हवाई जहाज की शक्ल दे दी गई है और ये हैं राम बाबू गुप्ता जी जो इसके मालिक हैं और इन्होंने ही भी बनाया है, ये कॉन्सेप्ट है, इन्होंने यूट्यूब पर देखा है और बनाया है। धन्यवाद के पात्र है ये। हालांकि इन्होंने परिवहन विभाग से ऐसा कोई इसके लिए कोई पास नहीं करवाया है, ना ही कोई परमिट ली है। बावजूद इसके जो इनका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये बिल्कुल, मैं आपको फिर से एक बार तस्वीरों में दिखा दूँ कि जो ये तस्वीर है ये बिल्कुल अंदर में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गाड़ी की तरह, आम गाड़ी जैसी होती है, बिल्कुल उसी आम गाड़ी की तरह है और ऐसे ही उसमें 4 लोग बैठे हुए हैं। और ये जो है बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ भी पंखी लगी है जो हवाई जहाज में होती है, हेलीकॉप्टर में होती है। जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हेलीकॉप्टर का है और पूरे हेलीकॉप्टर की तरह शक्ल में इसको बनाया गया है। तो मैं एक बार पुनः बता दूँ आप सभी लोगों को कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये मधुबनी ज़िले में है और आप देख रहे हैं जयनगर लाइव। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अभी अभी हम लोगों का लगभग 1.25 मिलियन हो गया है फॉलोअर, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार आप सभी लोगों को। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और इसी तरह हम किसी और तथ्यों को, किसी और घटना को, किसी और चीज़ों को आपके बीच फिर से लेके आएंगे। बने रहिए इन तस्वीरों के साथ। आज के लिए आपको छोड़े जाते हैं, बहुत 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 धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा होगा ये वीडियो आपको तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट कर अवश्य बताएं ये कैसा लगा। और मैं लिंक में आपको इनका नंबर भी डाल दूंगा, आप चाहें तो इसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं। अगर कभी मन करे चढ़ने के लिए तो इनकी नंबर डाल दूंगा, आप बुकिंग भी करवा सकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद।